Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च मुखम करोति वाचालं पंगुं लंकेतिकरं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं ध्यानतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेटाभद्रश्री विजयपताकस्वामी नमः चरपदाय नित्याय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। सो वी आर इन दि फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 श्लोक नंबर 5। सो दिस चैप्टर टाइटल इज Prayers of Queen Kunti and Parikshit Maharaj saved. ये अध्याय में हम लोगों को प्रारंभ में जो बताता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। जैसे भगवान रवाना होगा उसी समय उत्तरा भाग्य आई उनको रिक्वेस्ट की सो द अश्वतामास ब्रह्मास्त्र कम्स अगेन टू अटैक दी फेटस इन दी वूम्ब। उनका गर्भ में जो शिशु को मारने के लिए उन्होंने और एक बार चलाया। जैसे ये मिलने ये विषय मालूम होने के बाद भगवान तुरंत वो गर्भ में जो शिशु है परीक्षित महाराज को उन्होंने सुरक्षा पूरी तरह से दिया। सो आफ्टर ऑल दिस थिंग्स द लॉस ऑफ नेचर, यहाँ इसमें विस्तार से ये बता रहा है, हर एक जीव को तो हमेशा ये भौतिक जगत में आ गया तो हमेशा अज्ञान की वजह से इसमें बंधन हो जाता है। इसके वजह से इनको आगे भक्ति में जाने के लिए हर समय कुछ ना कुछ रुकावट, मगर इसको पार करके जाने के लिए इतना आसान नहीं है, फिर भी हर एक तो करना पड़ता है। सो इसमें हम लोगों को देख सकते हैं जैसी महाराज युधिष्ठिर अपना भाई सबके साथ वो राजमहल में पहुंच गया, उसी समय भगवान तो आगे निकलने के लिए कोशिश कर रहा है द्वारका के लिए। इसी समय उनको रोक के कुंती महारानी स्तुति कर रही है। इसका मतलब एक एक समय देख सकते हैं आप लोग, जैसी कुरुक्षेत्र युद्ध में जीत किया युधिष्ठिर महाराज, सिंहासन में आके बैठ गया, फिर भी भगवान को छोड़ने के लिए मन में नहीं है उनको बिल्कुल। क्या कारण है? भगवान के साथ हमेशा संगति करने के लिए उन लोगों को इच्छा ज्यादा रहता है। हर समय उन लोग वही सोच रहे थे भगवान को कितना समय लंबा करके रोक सकते करके, मगर भगवान तो जाना चाहिए द्वारका में क्योंकि उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, ही हैज टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। But the Lord satisfied their request because always He is pleased with His devotees. Somehow or other, the Lord tried to extend His stay with the devotees also. So, today's verse is number 5. Let us go to that 185. Pichla shlok mein hum log dekha tha, it is mentioned
ये काल का अनुसार जो भी यम नियम है वो बहुत कठोर है। हर एक जो कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। तो यहाँ हर एक मुनिवर सब आके ये युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी सबको शांत किया, मतलब उन्होंने इतना पुत्र को त्याग किया है अश्वत्थामा का जो कार्य की वजह से। सो नाउ दे आर ऑल पैसिफाइड बाय द सेजेस एंड फाइनली नाउ वी विल कम टू द श्लोका, टुडे श्लोका। साधयित्वा अजातशत्रुः, साधयित्वा अजातशत्रुः स्वं राज्यं कितवैर्हृतम्, स्वं राज्यं कितवैर्हृतम्। अच्छा आप लोग रिपीट करेगा तो मैं ऐसे ऐसे बोलूंगा, ठीक है। साधयित्वा साधयित्वा अजातशत्रुः स्वयं राज्यं कितवैर्हृतम्। घातयित्वा असतः राज्ञः कचस्पृश क्षत आयुषु क्षत मतलब क्षीण होने वाला है, आयुषु आयस। ओके तो पूरा श्लोक एक बार पढ़ेंगे। साधयित्वा अजातशत्रुः स्वयं राज्यं कितवैहृतम्, घातयित्वा असतो राज्ञः कच स्पर्श क्षतायुषः। ओके प्रभु शब्दात पढ़ सकते हैं, पढ़िए। Can somebody read meanings? Prabhuji, I have it in English, Prabhuji. Parwa nahi, padho. Hare Krishna, Prabhuji. Translation purported by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The clever Duryodhana and his party cunningly usurp the kingdom of Yudhishthira, who has no enemy. By the grace of the Lord, the recovery was executed, and the unscrupulous king who joined with Duryodhana were killed by him. Other also died, their duration of life having decreased for their rough handling of the hairs of Queen Draupadi. Hare Krishna. Hare Krishna. Yahan anuvad mein bata rahe Prabhupada, the clever Duryodhana and his party cunningly usurped the kingdom of Yudhishthira. इसका मतलब देखिए, पहला लिखता है clever, बाद में लिखता है cunning। मतलब आजकल बच्चों को कोई कहता है ओ मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है, कोई कोई बोलते हैं ओवर स्मार्ट है, मतलब यहाँ गड़बड़ शुरू होता है। स्मार्टनेस मतलब माता पिता को अपमान करना वो नहीं है, स्मार्टनेस बोलेगा तो अपना कार्य में साधुर्य, संस्कृत में क्या शब्द आता है साधुर्य, वैसे ही करना, क्योंकि दूसरों को धोखा देना दूसरों को धक्का मारना ऐसा नहीं है। सो यू हैव टू डू इट इन अ जेंटल वे, दैट इज द रियल वे। सो हियर यहाँ इसलिए दिखता है दुर्योधन का बारे में, उनको मन तो इतना एकदम उल्टा है राइट, इसके वजह से उन्होंने क्या किया, वो राज्य को कैसे किया उसर्प मतलब छीन लिया है, ये एकदम गड़बड़ मतलब वो जो खेल था खेल में उन्होंने इतना धोखा दिया है शकुनी मामा के साथ, इसके वजह से सब कुछ हुआ है। मगर ये अधर्म की तरफ जो भी करता है इसमें उनको तो उसी समय क्या हुआ, कर्म का फल भोगना पड़ा। क्या कारण है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम कभी भी बदली नहीं होता है। लोग तो बोलते हैं जमाना बदली हो गया,
ये शब्द क्या सुन सुनकर मेरे को बहुत गुस्सा आता है, क्या कारण वाले में, क्योंकि ये कैसे बदली होएगा, क्योंकि जो प्रकृति का नियम कभी भी बदली नहीं होता, उन्होंने हमेशा बराबर काम करता है, तीन गुण हमेशा काम करता है, और काल तो अपना हिसाब से बराबर चलता ही रहता है। सूर्य उदय कभी भी बदली होता है क्या, पश्चिम से होता है क्या, नहीं है। हर चीज तो हम लोग को देख सकते हैं, मगर यहाँ इसलिए कहता है ये जो किया है ये तो इतना दुर्बुद्धि, क्योंकि गीता में एक श्लोक में आता है ना दुर्बुद्धि, किसके बारे में लिखते वक्त, दुर्योधन का बारे में। आगे ये अनुवाद में क्या बता रहा है, हु हैड नो एनिमी, क्या नाम है युधिष्ठिर का, अजात शत्रु, मतलब शत्रु को जीत किया है उन्होंने, जीत किया मतलब कोई शत्रु नहीं है, जितना भी शत्रु होगा तो उनको मन में हमेशा क्या होगा, ये युधिष्ठिर को देखेगा तो मन बदली हो जाएगी, मतलब उनका सामने ये नहीं कर सकते, उनको सोचेगा तो नहीं कर सकते, इतना एकदम साधु पुरुष है। वी कैन से ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ धर्म, ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन, एवरीथिंग यू कैन। सो इसके वजह से युधिष्ठिर का राज्य में जितना सब कुछ समर्थता है, जैसी राम राज्य बोलते ना वहां वैसी, जैसी पृथु महाराज का राज्य में वैसे होता ऐसे ही। सो वी कैन अंडरस्टैंड सच सत्पुरुष ही इज एम्बॉडीमेंट, क्योंकि वो स्वयं यम धर्म राज है, राइट। आगे क्या लिखते हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड द रिकवरी वॉज एग्जीक्यूटेड, मतलब भगवान का कृपा से जो दुर्योधन ने छीन लिया है राज्य को, भगवान ने वापस लौट के दे दिया इनका हाथ में, राइट। एंड अनस्क्रूपुलस किंग्स, व्हाट इज रिटन देयर, अनस्क्रूपुलस किंग्स मतलब किसी को कुछ भलाई देने वाला नहीं है, ऐसे वो लोगों को क्या बोलते हैं, अनस्क्रूपुलस। हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे तो और एक शब्द भी होता है, यूजलेस फेलोस बोलते ना, इसलिए यहाँ वही शब्द लिखता है, क्योंकि दूसरों को भलाई नहीं सोचता उसको कहते हैं अनस्क्रूपुलस। हिंदी में क्या शब्द आएगा पता नहीं, मगर इतना ही कह सकते हैं, ऐसी राजा दुर्योधन के साथ मिलकर क्या किया, बहुत कुछ किया है, मगर युद्ध भूमि में क्या किया भगवान ने, दुर्योधन और दुर्योधनादीस बोलेगा तो दुर्योधन के साथ जितना भी दुर्बुद्धि वाला जितना भी असुर लोग थे सबको क्या किया भगवान ने, मार डाला है कुरुक्षेत्र युद्ध में, किसके द्वारा, अर्जुन के द्वारा, राइट। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, क्या बताता है, आप तो सिर्फ एक निमित्त है, मैं सबको मार डाला है, भगवान समझाता है ना, पहला दूसरा अध्याय में भी बताता है, ग्यारहवा में भी बताता है। सो वी कैन अंडरस्टैंड द लॉर्ड कंप्लीट्स हिज मिशन थ्रू वन डिवोटी। अभी इसके बारे में हमको हमेशा एक विषय याद आता है, मंदिर में बड़ा उत्सव है, जन्माष्टमी आता है, गौर पूर्णिमा आता है, राइट, सभी भक्तों अपना अपना दौड़ दौड़ के सब कुछ सेवा करता है, राइट, कोई के इतना उत्साह से दूसरों के साथ गुस्से में भी कुछ बोल देता है कभी कभी वैष्णव अपराध भी हो जाता है, राइट। ऐसी परिस्थिति में ये प्रोग्राम इतना उत्सव सब अच्छी तरह से पूर्ति हो गया, बाद में वो यात्रा लीडर फोन पकड़ के बताता है, सॉरी माइक पकड़ के बताता है, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, कोई कोई नाम बोल के इन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने ऐसा किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब सुनकर कोई कोई को नाम आए नहीं आएगा तो नंबर वो लोग सोचा ओ हम भी सेवा किया मेरा नाम नहीं आया, ये हमेशा होता है। मगर इसमें एक विषय याद रखना चाहिए, जिनको नाम आया है जिनका नंबर आया है वो भी कभी भी सोचना नहीं चाहिए, हाँ मेरे वजह से ये उत्सव अच्छा चला, राइट, मेरे वजह से ये फंक्शन अच्छा चला, ऐसे कभी भी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान को अपना अपना जो सेवा करता है वो सही तरफ से जितना विनम्रता से करता है वो सबसे एकदम टॉप क्लास है, भगवान वही देखता है, राइट। इसके बारे में शास्त्र में लिखा है, एक वैष्णव आचार्य बारे में उन्होंने बताया, श्री वैष्णव आचार्य है, इसके बारे में बताया, जैसी बालाजी के बारे में बोलेगा तो, क्योंकि हर चीज हम लोग सोचते हम लोग किया करते, ये एकदम अज्ञान है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान बताता है, मगर ये शास्त्र में क्या बता रहे वो हम लोग देखेंगे। मणिप्रभु भी हमेशा ये बोलेगा, आप लोग को याद होगा तो ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, स्वस्मयी स्वप्रीत्यै स्वयमेव कार्यते, राइट। स्वस्मय मीन्स अपने लिए भगवान, स्वप्रीति उनका प्रीति के लिए, स्वयमेव कार्यते मतलब अपने आप उन्होंने कराता है किसी के द्वारा, नहीं तो अपने आप करता है, राइट। इसमें बीच में हम लोग कौन है,
हम लोग कुछ भी नहीं, क्योंकि भगवान का जितना शक्तियां हैं विविध प्रकार का, उसमें से उन्होंने सब कुछ कर सकते अकेला, मगर उन्होंने क्या करता है, हर एक जीव को भी ऐसी मौका देता है सेवा देने, राइट। इसी समय भगवान क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, हम लोग देखा है बहुत कुछ, राइट। भगवान जितना भी लीला किया है बहुत आनंद से किया है, बहुत आसानी से भी किया है, राइट। तो इसमें एक विषय याद रखना, भगवान जैसे करता है उसी समय उन्होंने ऐसे करता है, एक मिनट, क्योंकि इसमें निमित्त मात्र, निमित्त मात्र हम लोग निमित्त बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करना, क्या करना है, हम भगवान से यही मांगना प्रार्थना क्या है, मेरे को निमित्त बनाओ, आपका हाथ में आपका सेवा में मेरा नाम भी डाल दो, मैं सेवा करूं आपके लिए, ऐसी सोचना चाहिए, ओ मैं भी करूंगा, ऐसी हमारा साधुर्य से कभी भी नहीं होता, ये भगवान का कृपा से ही होता है। So this is also explained here in this shloka. What does he say? They were all killed. And what is written? Main abhi wapas bhul gaya. Swasmei bola tha. Swasmei bolega tha apne aap. Apne liye. Oh, Bhagwan karta hai. Swapritiye. Swapritiye matlab bolna nahi chahiye. Kyunki Prabhupada hamesha kya kehta hai? Bhagwan sankalp kiya hai. Uske baad avatar leta hai. Right? Sankalp matra se sab kuch hota hai. Sankalp matra bolega tha. Unhone ek vrat मन में सोचेगा तो वो कार्य तो हो जाता है। हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ये सामान लाना, वो ले आओ, सबको बुला लो, इतना करो, वो करो, फिर ये कार्य होता है, मगर भगवान का ऐसे नहीं, संकल्प मात्र से सब कुछ। ये सृष्टि कैसे होता है, सृजन कैसे होता है, संकल्प मात्र से बताता है प्रभुपाद। सो वी कैन अंडरस्टैंड द लॉर्ड इज कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट ऑल दैट व्हाट वी हैव टू डिसाइड इज वी हैव टू रिक्वेस्ट द लॉर्ड, प्लीज पुट मी एज अ स्मॉल पार्टिकल। जैसी रामायण में आता है ना, जैसी भगवान रामचंद्र जी जितना वानर के साथ वो ब्रिज बनाने के लिए तैयार है, उसी समय ये स्कूरिल आता है ना, स्कूरिल को हिंदी में क्या बोलते हैं प्रभु? हरे कृष्णा, गिलहरी, 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 हाँ प्रभु। उसने आके अपना तरफ से जो हो सकता है जितना भी रमल का बूंद है वो लेकर डालते फिर रामचंद्र जी उनको देखे एकदम उनको ऊपर उन्होंने क्या दया दिखाया, फिर अपना कमल हाथ से उसको ऐसी स्पर्श किया है, इसके वजह से जितना भी स्कूरिल है उसको ऊपर तीन मार्क होगा चिन्ह, ये भगवान का दिव्य उंगली से उन्होंने किया है करके बोलते हैं। हरे कृष्णा, ये सब लोग नोटिस किया है? यस प्रभु, या three marks on the all the squirrel, so that is done by the Lord Ramchandra. So like that we have to look for such an opportunity and we have to do it in a very humble way. So this way yahan hum log yahan dekh sakte hai bhagwan kya kiya, ye durbuddhi duryodhan ko bahut hi aasani se maar dala hai, right. So aage kya kehta hai, others also died, that duration of life having decreased for the rough handling. इतना सुंदर वर्णन है, एक मिनट, one can understand very clearly, इतना विषय लिखता है, others also died, their duration of life was reduced or decreased. इसके बारे में भागवत में एक विशेष श्लोक है, किसी को याद आता है, आयुष कम हो जाता है। हरे कृष्णा, सर्वदेव गिरधारी, आयुर हरति वैपुंसा उद्यन अस्तन, सत्यराज पूरा बोलो, सत्यराज पूरा बोलो श्लोक, प्रभु आयुर हरति वैपुंसा उद्यन अस्तन चयनस्तु तस्य तेय क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्ते। हाँ, सुवर्त माधव, वंडरफुल वंडरफुल। इसका अनुवाद पढ़ सकते हैं? एक मिनट प्रभु, एक्चुअली विद राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन वन लाइफ ड्यूरेशन इज डिक्रीज्ड, बट फॉर डिवोटीज हु आर इन्वॉल्वड इन डिस्क्राइबिंग द ग्लोरीज एंड पास्ट टाइम ऑफ द लॉर्ड
it doesn't apply. That's it. Very good. Wonderful. यहाँ वही बता रहे, जैसे भगवान का साइड ग्लांस दृष्टि से क्या हुआ, हरे को आयुष कम हो गया. देखो दो भगवान का अंग तो दो है, राइट. एक तो हम लोग देखा था तिरुपावे, हम लोग चलते हैं ना अभी आंडाल नाचियार का श्री वैष्णव संप्रदाय में, हम लोग की मार्गशीर्ष में इसमें सुबह सुबह करता है ना, उसमें उन्होंने बताती है भगवान का एक दिव्य अंग तो सूरज है भगवान का, और दूसरा दिव्य अंग है वो तो चंद्रमा है. एक से इतना उष्ण, दूसरे में इतना शीतल, इतना फर्क है. यहां वही देख सकते हम लोगों को भी, भगवान जैसी असुर को देखेगा तो उनका आयुष कम हो जाती है. क्या कारण है, उनका बुद्धि बिगड़ गया, उन्होंने भगवान को मानता नहीं है, वो स्वामी बनने के लिए कोशिश करता है. So naturally their life will be reduced automatically. But the same Lord looks at the wonderful devotees. What happened? Their lifetime is increased. Itna kripa badhta hai. I see anek ek nahi hai. Ek abhi dekhiye, Guru Maharaj itna tapasya kiya hai. Bhagwan ko andar darshan karte hue unhone anand kiya hai. Magar Bhagwan samne prakat ho gaya. Unhone parda dala. Phir aankh kholega to samne vaisi jo darshan kiya andar wahi bahar hai. उसी समय उनको हृदय में इतना आनंद पूर्वक, उनका आयुष इतना लंबा है, राइट. सो यहां भगवान ने ऐसी कृपा करता है, मगर असुरों को कम करते उसको नष्ट नहीं है, उसको भी क्या करता है भगवान ने, असली देखेगा तो भगवान पक्षपात नहीं करता, उसको भी सहायता करता है. क्योंकि भगवान का सामने अगर कोई शरीर छोड़ दिया होगा तो क्या होता है, ऊंचा स्थिति पे जाते हैं, राइट. अंतकाले च मामेव, यहां भगवान आयुषहीन किया साथ साथ उनको ये भी सहायता किया है. इसलिए हम लोग देख सकते हैं सातवां स्कंद में जैसी सवाल पूछते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को, ये भगवान कभी कभी पक्षपात करता है क्या भक्त के लिए? नहीं है. फिर आगे नारद मुनि युधिष्ठिर को भी समझाता है, जैसी हम लोग अप्रोच करते हैं वैसे भगवान आधार प्रदान करने में भगवान श्रेष्ठ है. जितना भी हमारा लौकिक लोक में सबके साथ हम लोग करता है, कभी भी ये इतना रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, राइट. भगवान हमेशा ऐसे ही करता है, क्योंकि हम लोग दामोदर लीला में क्या कहता है, हम लोग एक कदम रखेंगे तो उन्होंने 10 कदम रखे हमको उठाते, इससे बढ़कर कौन दयालु है. इसलिए कम्बा दयालुम शरणम व्रजे में, कौन बताया, सुखदेव गोस्वामी. इसके वजह से एक दिव्य गुण की वजह से उनको एकदम आकर्षित हो गया, उन्होंने एकदम टॉप क्लास आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है, उन्होंने एकदम टॉप क्लास लिबरेटेड सोल है. फिर भी उनको सोचा था इससे कैसे छोड़ दिया मैंने ये जीवन, फिर उन्होंने वापस शुरू करता भक्ति का प्रारंभ. सो यहां देख सकते हैं, सो दिस वे द लॉर्ड रिड्यूसेस द लाइफ एंड स्टिल दे आर बेनिफिटेड, राइट. बट वॉट crime they have done, that is very important. So Prabhupada explains here, decreased for the rough handling of the hair of Queen Draupadi. Kyunki isko atatayana bol sakte, kyunki dusro ko patni ke upar haath kabhi bhi dal nahi sakte. Ye bhi sabha mein aise sabka samne usko apaman karna ekdam gadbad, इतना उल्लंघन किया है, उसके वजह से उनको सब कुछ वापस मिल गया. ये कर्म का अनुसार, ये प्रकृति का नियम है, इसमें भगवान बीच में कुछ नहीं करता है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ऐसे कहते हैं ना. सो मैं कभी भी हाथ नहीं डालता प्रकृति का नियम का बीच में. ही ऑलवेज से आई विल नेवर इंटरफियर बिकॉज द लॉ ऑफ नेचर हैज टू फंक्शन, इट कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड, राइट. अगर कोई भक्त भगवान का शरणागति किया हा पूरी तरह से, वो व्यक्ति के लिए भगवान ने कुछ विशेष कृपा करते हैं. सो दिस इज वेट, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर. ओके, सो मूविंग ऑन टू द परपोर्ट, अभी शुरू करेगा. इन द ग्लोरियस डेज और बिफोर द एडवेंट ऑफ एज ऑफ कली, द ब्राह्मणास द काउस वुमन एंड द चिल्ड्रन एंड द ओल्ड मैन आर प्रॉपरली गिवन प्रोटेक्शन. Prabhupada इसके बारे में अनेक जगह पे बताता है. Even in the 10th canto also, Prabhupada purport it is explaining, these are the 5 categories to be given priority. क्योंकि ये पांचों को राज्य में importance देना पड़ता है.
अगर किया नहीं होगा तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा. दिस इज व्हाट एक्सप्लेन्ड वेरी क्लियरली. लेट अस सी वन बाय वन. द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्राह्मणास मेंटेन्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ण एंड आश्रम द मोस्ट साइंटिफिक कल्चर फॉर अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ. क्योंकि आध्यात्मिक जीवन के लिए ये वर्ण आश्रम बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो एकदम विज्ञान पूर्वक किया है. इसमें क्या लिखते हैं, साइंटिफिक कल्चर बोलते हैं, क्योंकि इसमें से जो सभ्यता है एकदम टॉप क्लास है, इसमें कभी भी गड़बड़ नहीं होएगा. मगर ये आजकल मतलब कलयुग में इसके बारे में बात उठता नहीं है, कोई भी कोई वर्ण में नहीं है, ये सब बिगड़ गया. कोई भी कोई आश्रम में ठीक नहीं है, इसलिए सब बिगड़ गया. So, Prabhupada is trying to re-establish the Varnashrama Dharma and all his disciples are trying their best to bring back the Varnashrama system, at least to some extent of population. So, इसलिए ब्राह्मण को इतना मुख्यत्व दिया हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण बोलेगा तो पुरुष सूक्त में कहता है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुरा जन्यकृतः. ऐसे हर एक अंग में हर एक वर्ण तो आ जाता है. सो the brahmanas are maintained well because they have to lead the society, right? unko to gun kya hona chahiye, bhagavad gita mein suna hua hai aur shastra mein likha hai, patana patana yajana yajana aise bata raha, right? So these are the important thing you have to understand. Then point number 2, the protection of cows maintains the most miraculous form of food, the milk, the maintaining of the fine tissues of the brain for understanding higher aims of life. When we talk about the cow, I always remember quickly, let me come to, because in Tirupavai, in Andal Nachiyar, she glorifies the cows almost in 7-8 shlokas, and how she is telling, they are all magnanimous. Oloko vallal perum pashukal bata rahi hai. Matlab itna magnanimous, itna charitable cow, itna unhone doodh deta hai, phir bhi logon usko theek se nahi rakhta hai. So doodh ka bare mein Prabhupada yahan kya likhta hai, for maintaining the finer tissues of the brain. इसलिए जो भी गाय का जितना भी हम लोग भोग करता है बहुत हमको अच्छा शरीर प्राप्त होता है. सो वी हैव टू रिमेंबर दैट. सो काउ शुड बी गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एंड काउ शुड बी केप्ट इन अ वेरी जॉयफुल मूड. दैट्स व्हाई युधिष्ठिर का समय पे क्या हुआ, जितना भी गाय था अपना अपना अड्डर से नीचे इतना दूध फैलाया, पूरा मिट्टी तो एकदम गीला हो गया, राइट? That's what kamam vavarsha parjanya sarva kama dughamayi shishishu prajagavan payaso dasvani mudaha. Oshlok padho, it is wonderful. I think it is coming in 1.17.10 or not 1.17.10. I think it's coming in 1.10 something like that. So look at that shloka also, very important. Okay, connecting to the cows. Okay, moving on to the third one. The protection of women maintains the chastity of the society, by which we can get the good generation on to for peace, tranquility and progress. So all these three things, kya kya likha hai, shant aur and hamesha santusht, aur teesra kya hai, hamara jeevan mein aage badhne ke liye striyon ko suraksha bahut zaruri hai, right? Kyunki abhi dekhiye, isliye bhagavad gita mein arjun kehta hai varna shankara karakehi, itna yuddh mein itna purush mar gaya to unka patni ko kya ho jayega, वर्ण शंकर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, अवांछित समाज आ जाएगा. सो लाइक दैट इट इज मेंशन्ड हियर, वुमन आर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. देन चौथा क्या है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन गिव्स द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इट्स बेस्ट चांस टू प्रिपेयर द वे ऑफ लिबर्टी फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज. सच प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बिगिंस फ्रॉम द वेरी डे बिगेटिंग द चाइल्ड बाय द प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस ऑफ कॉल्ड गर्भदान संस्कार, the beginning of the pure life. यहाँ प्रभुपाद दो विषय बताता है, बच्चों के बारे में इतना इंपॉर्टेंस, क्योंकि बच्चों को बिना हम लोग आगे समाज नहीं आएगा बराबर. ये इनको सही तरफ से कृष्ण भावनार्थ में ला के आएगा तो हम लोगों को आगे सोचने का बात नहीं उठता है, अवांछित पॉपुलेशन भी नहीं है. सो लाइक दिस देर आर सो मेनी श्लोकास, कौमार आचरित प्राज्ञों, बचपन से उनको क्या करना, कृष्ण भावना में डालना. इसलिए बच्चों को इतना इंपॉर्टेंस दिया, उनको सुरक्षा बहुत जरूरी है. फिफ्थ वन इज द प्रोटेक्शन ऑफ द ओल्ड मैन गिव्स देम ए चांस टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर बेटर लाइफ आफ्टर डेथ. क्योंकि वृद्धावस्था में क्या होता है, आदिशंकरा बोलता है वृद्धस्तावत चिंता सकता है, वो चिंतन करके करके आगे दूसरा जन्म लेना पड़ता है. कभी कभी उसको उन्होंने क्या करता है, अपना घर पे
ये कुत्ता है, ये है, उसके ऊपर उन्होंने तो दिस आर अवॉइड. तो इसलिए उनको क्या करना, वृद्धा अवस्था में जो भी है उनको सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि आगे उन्होंने दूसरा शरीर के लिए तैयारी करने के लिए मौका मिल जाता है. मगर आजकल इंडिया नहीं है, पूरी दुनिया देखो हर जगह पे वृद्धाश्रम बढ़ते रहते हैं. हाँ, बच्चा लोग को माता पिता को संभालना बहुत मुश्किल हो गया. राइट, सो मूविंग ऑन टू दैट फर्दर, दिस कंप्लीट आउटलुक इज बेस्ड ऑन फैक्टर्स लीडिंग टू सक्सेसफुल ह्यूमैनिटी एज अगेंस्ट द सिविलाइजेशन ऑफ पॉलिश cats and dogs. This killing of the above mentioned innocent creatures is totally forbidden because even by insulting them, one loses one's duration of life. In the age of Kali, they are not properly protected and therefore the duration of the life of the present generation has shortened considerably. In the Bhagavad Gita, it is stated when the woman become unchaste for want of proper protection, they are unwanted children called Varna Shankara Karakaihi. To insult a chaste woman means to bring about disaster to the duration of life. Dushasana, a brother of Duryodhana, insulted Draupadi, an ideal chaste lady, and therefore the miscreants died untimely. These are the some of the stringent laws of the Lord mentioned above. Hare Krishna. मैं इतना रन थ्रू किया है, बहुत इसके बारे में बोलने के लिए है, मगर आधा घंटा बहुत कम है. हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पूर्ति करेंगे. 7:37 हो गया. या या थैंक यू प्रभु. आई विल जस्ट रिक्वेस्ट इफ समबडी हैज सम क्वेश्चंस और सम समथिंग टू बी सेड दे कैन पिक अप दिस. ये कोई क्वेश्चन है तो वो है हमारे साथ. यस सुगत माधव बोलिए. नहीं प्रभु, बस आपका जो पॉइंट था कि जो लॉ ऑफ नेचर है, हम लोग बोलते कि अभी पूरा जमाना बदल गया, लेकिन आपने जो बोला बहुत सही था प्रभु. इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल. हम लोग अपना हिसाब से कुछ भी बोलते, लेकिन व्हाट यू सेड बहुत अच्छा पॉइंट था प्रभु. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. उन्होंने 5 पॉइंट्स लिखा है, उसके बाद जो समरी है उसमें सही बता रहे. देखिए, To insult a chaste woman, that's why यहाँ देखिए हम लोगों को आयुष क्यों कम हो जाता है, इतना स्त्रियों को, मतलब इतना सस्त्रियों को हम लोग इतना गड़बड़ करते हैं लोग, तो इसके वजह से सबको आयुष कम हो जाता है. That's also very well brought out, no? Yes, sir. हरे कृष्णा. जय हो, जय हो. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. People have raised their hands. Can you give a couple of minutes? Yeah, I have lot of time. yeah, okay, yeah. भागवत के बारे में हमको टाइम निकाल के रखेगा. आप लोग तो ड्यूटी पे जाना पड़ता है, हम घर पे ही है. हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रही है प्रभु? हाँ बिल्कुल सही. प्रभु आज का आपका क्लास बहुत अच्छा था, इसके लिए धन्यवाद. और सच में ज्यादा टाइम चाहिए, लेकिन मेरा एक प्रश्न था. जैसे आपने अभी बोला कि जब भगवान अपनी एक दृष्टि डालते हैं तो जो है भक्तों की आयु बढ़ती है और जो राक्षस है उनकी आयु क्षीण हो जाती है, लेकिन भगवान पक्षपात नहीं करते, उन्हें मुक्ति दे देते. लेकिन इसके पहले अध्याय में और इसी अध्याय में अश्वत्थामा आता है, वो तो चिरंजीवी है, तो उसके लिए आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे. माता जी, अश्वत्थामा चिरंजीवी करके किधर लिखा है? हमको याद नहीं, कहीं भी नहीं पढ़ा, कहीं भी नहीं सुना है. कोई हमारा ग्रंथ में है क्या? हाँ, अमोघलीला प्रभु का जो महाभारत है, महाभारत की कथा है, उसमें लिखा, उसमें उन्होंने कहा था कि अश्वत्थामा है जो अभी तक है, जीवित है. और अगर ऐसे मत, तो उन्होंने बताया था कि अश्वत्थामा अभी तक भी जीवित है. तो जैसे अभी यहाँ पर आपने बोला कि जो राक्षस है तो उनकी आयु कम हो जाती है, फिर उनकी क्यों बड़ी? नहीं, उन्होंने आतताइन है, मतलब उन्होंने जो कार्य किया है उसको क्या कहते हैं? आतताइन है बोलते हैं. बच्चों को बिना आयुध है, बच्चों को उन्होंने मार डाला है ना, उसके वजह से उनको अपमान इतना मिला है सबके सामने. राइट, मगर उसमें आपको याद रखिए विषय, कुंती नहीं, द्रौपदी ने उनको माफ किया. मालूम है, उन्होंने माफी मांगा,
मगर बाकी किसी ने किया, मगर इन्होंने किया है। उन्होंने इतना दयालु है, कौन? द्रौपदी ने। मगर उसका आयुष कम हो गया, मतलब कम चिरंजीवी करके मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं इतना ही कह सकता है, विच आई डू नॉट नो, आई वॉन्ट टू टॉक बिकॉज आई हैव नॉट हर्ड, दैट्स द रीजन आई डिड टॉक ऑन दैट। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण। मगर इतना ही मालूम है। मगर इसमें प्रभुपाद क्या लिखता है, ऐसी किया होगा तो इसमें क्या लिखता है प्रभुपाद ने, जस्ट बिकॉज इवन द ट्रांसलेशन में बताता ना, जस्ट बिकॉज दे बिहेव्ड वेरी बैडली, ऐसी सत स्त्री के ऊपर उन्होंने इतना अपमान किया है, उसके वजह से उनको आयुष क्षीण हो गया। क्योंकि मतलब आसुरिक स्वभाव जिसको होता है उनको तो ऐसी होता है, क्योंकि हम लोग एक श्लोक में अभी देखा था, आयुर्हरति वै पुंसा, अगर भगवान का स्तुति नहीं करेगा तो, भगवान का लीला के बारे में बात नहीं करेगा तो, भगवान का नाम नहीं लेगा तो उनको आयुष कम हो जाता है, ये तो है। मगर इनको चिरंजीवी के बारे में मेरे को इतना मालूम नहीं, मैं चेक करना पड़ेगा माता जी। There is one shloka na, ki sapta chiranjeevi something. Ah. In that, I think it is their name is mentioned, Vibhishan. Aha. Hanumanji, and there I think Ashwathama's name is mentioned. Ek shloka. Aha. Aha. I am unable to recollect it. Okay. I will share with you and then maybe we can. Yeah, please, please. I will also check it again. Okay. Satyaraj Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हिज ग्रेस गोपी में प्रभु, आपने इनवाइट किया प्रभु जी को, एंड लाइक प्रभु जी को देख के बहुत बहुत आनंद आ रहा है प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर योर, आपका दर्शन देख के बहुत अच्छा आनंद आता है प्रभु जी। थैंक यू सो मच। आप लोगों का समय नहीं मिल रहा है इसलिए गोपी मनोहर अरेंज किया है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। I remember all those days, Prabhuji. Thank you so much. Golden days. Yes, golden days, Prabhuji. Sure, Prabhuji. Thank you so much. And Prabhuji, मुझे एक ही point इसमें. Surat Madhav. Yeah, Surat Madhav. Yes, Prabhuji. He is always raising his hand for shloka. I still remember always. तो आपका आवाज clear नहीं आ रहा है, क्या हुआ? हरे कृष्णा, Prabhuji, आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है? बहुत कम आ रहा है बस। हरे कृष्णा अभी आ रहे हैं प्रभु जी? आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे, बहुत बताइए, नो प्रॉब्लम, बोलिए। ओके प्रभु जी, आपने जो बताया था निमित्त मात्र एंड स्क्विरल वन, सो उसके ऊपर हमारे इधर मनो प्रभु करके बताते तो कुछ भी सेवा रहेगा, जैसे आपने बताया कि हमारी यात्रा लीडर है वो हमारा नाम नहीं लेंगे तो somebody gets hurt. लेकिन वो प्रभु जी बोलते हैं कि if you do any means like अगर किसी का means like सेवा है, means like कुछ भी cleaning सेवा है, झाड़ू सेवा है, तो that is the same, और जो भी भगवान के altar में जो भी सेवा कर रहा है भगवान का, तो भगवान तो उसको equally, तो like we should be निमित्त मात्र, जैसे आपने बताया, तो भगवान same कृपा दृष्टि रखते हैं। हमारा प्रार्थना इतना ही होना चाहिए, भगवान से हमको निमित्त बनाओ, बस वही प्रार्थना चाहिए। कार्य करने वाला भगवान है, कराता है हमारा द्वारा, बस इतना ही है। और थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, वेलकम गोपी मनोहर, थैंक यू सो मच, हमारा हरे कृष्णा आपका पत्नी बच्चों सबको। समीर प्रभु ने हाथ रेज किया था प्रभु, समीर प्रभु गॉड या सॉरी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने नहीं हाथ रेज नहीं किया था, सॉरी प्रभु जी, मैंने देखा नहीं था, या नहीं नहीं प्रभु जी, मैंने नहीं किया था रेज, बस कुंजेश्वरी और सत्यराज, वो आदि सत्यराज रहेंगे श्री सर, या So thank you very much Parmeshwar Prabhu, please keep giving your association, आपका association ऐसे at least monthly एक बार, हम लोग तो चाहते हैं every day हो, but that is not possible, but at least monthly आपने जो बोला, मैं एक बार monthly आऊँगा पक्का, so thank you very much for that, thank you so much each and every one of you, so please pray for us, we have to serve Guru and Krishna further, and Sadananda Ramachandra also should get a wonderful. Sure. Grastal, that's also important for us. Hare Krishna.
हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम है। वांछा कल्पद्रुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यः पावनेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णवेभ्यो भागवत की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा।